Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Transferring. अब second exercise की कुछ questions करते हैं. Second exercise का first question जो है, the question is find the distance between the following pair of the point. यहाँ पर हमें कुछ pair of the points दिए हैं, तो उनके बीच का distance हमें क्या करना है? Determine करना. Since मैंने आपको distance formula 3D के अंदर बता चुका हूँ, और वो same 2D की तरह है, तो वही apply करते हैं हम यहाँ पर find out. फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं इस क्वेश्चन के. फर्स्ट पार्ट में जो है यहाँ पर हमें जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, मैं पॉइंट्स लिख देता हूँ, पॉइंट्स आर, मैं इनकी नेमिंग कर देता हूँ. ए पॉइंट्स तो दे लेता हूँ 2, 3, 5. ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया. नेक्स्ट इज एंड बी इज 4, 3, 1. नाउ स्टूडेंट, ए बी विल बी बाय डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी इज, मैं बी के कोऑर्डिनेट को, बी के कोऑर्डिनेट को क्या लेता हूं, मैं बी के कोऑर्डिनेट को x2, y2, z2, और जबकि a के कोऑर्डिनेट को मैं लेता हूं x1, y1, z1. यानी कि यहां पर x1, y1 और z1 की वैल्यू 2, 3, 5 और x2, y2, z2 की वैल्यू 4, 300. नाउ अब x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर. दिस इज 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, देन प्लस y2 माइनस y1 इज 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर. दिस इज 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर. नाउ नेक्स्ट z2, ये मैं ठीक से लिख देता हूं स्टूडेंट, नाउ ताकि आपको कंफ्यूजन हो, 3 माइनस 3 का स्क्वायर. नाउ नेक्स्ट z2 माइनस z1 का, तो z2 माइनस z1 इज 1 माइनस 5 का स्क्वायर. नाउ 4 माइनस 2 का स्क्वायर इज 2, 2 का स्क्वायर इज 4. नाउ 3 माइनस 3 इज 0, 0 का स्क्वायर इज 0. 1 माइनस 5 इज -4 और -4 का स्क्वायर इज 16. तो आपके पास यहाँ पर क्या आया, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 20. और स्क्वायर रूट ऑफ 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू 5. और 4 इंटू 5 को क्या लिखा जा सकता है, 4 स्क्वायर रूट से बाहर आके 2 आया, तो 2√5 यूनिट. तो यूनिट में हमें दिया हुआ नहीं है, तो कोऑर्डिनेट में हम यूनिट. नाउ सेकंड में यहाँ पे मैं सारे पार्ट आपको करा देता हूँ. सेकंड में जो हमें कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, अगेन मैं इसे ए नेम देता हूँ फर्स्ट कोऑर्डिनेट को, -3, 7, 2. एंड नेक्स्ट जो है बी, इसे बी ले लेता हूँ, इसको कहते हैं हम 2, 4, -3. ये पॉइंट. नाउ अगेन सिंपली आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे, मैं बी के कोऑर्डिनेट को x2, y2 और z2, एंड एक्स के कोऑर्डिनेट को x1, y1 और z1 ले रहा हूँ. तो अगेन मैं डायरेक्टली यहां पर लिखा हूं ए बी की वैल्यू डिस्टेंस फॉर्मूला से. दिस डिस्टेंस फॉर्मूला अगेन यहां पर 2 माइनस -3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 यानी y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस -1 -2 का स्क्वायर. यह स्टूडेंट आर नाउ अब इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो 2 माइनस -3 -, प्लस भी हो जाएगा, 2 प्लस 3 इज 5. तो 5 का स्क्वायर फर्स्ट वाला ब्रैकेट, तो सेकंड वाला ब्रैकेट 4 माइनस 7 इज -3 और -3 का स्क्वायर इज 9. तो मैं यहाँ पर 9 ली. एंड -1 -2 इज अगेन -3 और -3 का स्क्वायर अगेन 9. नो 5 स्क्वायर इज 25 एंड 25 + 9 इज 34 एंड 34 + 9 इज 40. तो ये कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 43, जिसे हम सॉल्व नहीं कर सकते. तो स्क्वायर रूट ऑफ द 43 यूनिट्स क्या है, इन दो गिवन पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस. नाउ स्टूडेंट, इस तरह से आप यहाँ डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ आप अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं.